नमस्कार, मैं हूं वंदना शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस की बात। एक जून से लॉकडाउन पांचवें चरण में जाने की संभावना थी, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन खोलना शुरू कर दिया और इसे अनलॉक वन का नाम दिया गया। पूरा देश खोल दिया गया है और लोगों से अपेक्षा की गई है कि वो सावधानी के साथ बाहर निकले। आपको बता दें कि जिस तरह चरण दर चरण लॉकडाउन चला था, उसी तरह चरणबद्ध तरीके से इसे खोला जाएगा। अब ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है और बचा है सिर्फ एक जोन। ये जोन होगा कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी, हालांकि जरूरी गतिविधियों को मंजूरी रहेगी। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों का मूवमेंट ना हो। इतना ही नहीं, कंटेनमेंट जोन में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, घर घर का सर्विलांस भी होगा। अनलॉक वन के गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगी और जहां जहां पाबंदी है, वहां यदि कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए जानते हैं अनलॉक वन में क्या क्या कब से खुलेगा। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे, हालांकि ये सब शर्तों के साथ ही खुलेंगे। वहीं दूसरे चरण में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अध्यापकों व अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श भी करेंगे। और तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें आदि को खोलने पर विचार होगा। अब बात करते हैं पाबंदियों की। तो दिल्ली मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी, विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दुकानों पर सिर्फ 5 लोग ही एक साथ सामान ले सकेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी। पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। पूरा देश खोल दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वे सावधानी के साथ बाहर निकलें। उम्मीद है कि आप सभी सरकार की ओर से दिए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।